आरोपी कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन पुलिस के लंबे हाथ उसे दबोचने के लिए काफी हैं। पुलिस की गिरफ्त में मासूम से शक्ल के साथ बैठा ये एक ऐसा आरोपी है जो कि एक चोर है, और एक आम चोर नहीं बल्कि खतरनाक चोर। अगर इसकी नजर भी आपके घर पर पड़ गई तो समझो सोना चांदी गायब। इसके हाथों में AK-47 का टैटू छपवाया है और AK-47 की तरह ये चोरी करने में तेज है। घर सुनसान मिला नहीं कि ये चोरी करके फरार हो जाता है, लेकिन इस बार चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका और फरार होने से पहले ही पुलिस ने इसे दबोच लिया। ये 17-18 की रात को अपना आदर्श कॉलोनी में अपना संजय कुमार गोयल है उसके घर में चोरी हुई थी, और हमें मुखबर खास के इतला पर पता चला था वे 27 तारीख को वे जिसने चोरी की है अरुण नाम का एक लड़का है, और वो हसनपुर चौक पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है, जिसको मुखबर खास के इतला पर उसको काबू करके और मुकदमा में शामिल तफ्तीश करके 2 दिन का पुलिस हिरासत रिमांड हासिल कराया था। पुलिस ने आरोपी से भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं, जिनको देखकर अब आप भी अंदाजा लगा ही गए होंगे कि ये चोर कितना शातिर है। पुराने पुलिस रिमांड उससे जो नकदी और जेवरात वगैरह जो चोरी किए थे वे उससे बरामद किए। सर कितने रुपए के जेवरात है और क्या पीड़ित ने क्या शिकायत दर्ज कराई थी? पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके सोने और चांदी के आभूषण वगैरह जो वे चोरी हुए थे और कुछ नकदी थी उसमें, तो इसे नकदी भी बरामद की है और अपना जो ताले वगैरह जो तोड़े थे इसने वो भी बरामद किए, सरिया बरामद किया है और चांदी और सोने के आभूषण वगैरह भी बरामद किए। हैरान कर देने वाले इस चोर का कारनामा यहीं खत्म नहीं होता। आरोपी एक बार हिरासत से फरार भी हो चुका है। फिलहाल पुलिस इसको इसके किए की सजा देगी और कोशिश करेगी कि पूछताछ में इससे और भी कई खुलासे हो सके। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।